मैहर में विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा बागेश्वर धाम महाराज की कथा कराई जा रही थी, लेकिन अचानक कथा के कैंसिल होने पर कई सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने इसके कैंसिल होने के पीछे की वजह विधायक नारायण त्रिपाठी की बगावत बताया गया, तो कुछ ने कहा कि शिवराज सरकार ने बदले की भावना से कथा कैंसिल करवाई। इन्हीं सब आरोपों के चलते बागेश्वर धाम महाराज ने वीडियो जारी कर कहा कि मैहर कथा कैंसिल नहीं की गई है, बल्कि इसकी डेट आगे बढ़ाई गई है। मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी बना ली है, जिसके भाजपावाद संगठन नाराज चल रहे हैं। मैहर में बागेश्वर धाम महाराज की कथा कैंसिल होने की वजह भी लोग नारायण त्रिपाठी की बगावत को ही मान रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर कयास लगा रहे हैं कि विधायक नारायण त्रिपाठी को इस कथा से चुनाव में बहुत फायदा होने वाला था और भाजपा संगठन किसी भी कीमत पर विधायक त्रिपाठी को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहते थे। इस कारण बागेश्वर धाम महाराज की कथा कैंसिल करवाई गई। सोशल मीडिया के इस सभी हलचलों के चलते अब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैहर में जो कथा 3 मई से होने वाली थी वो समय की व्यवस्था और साधु संतों के निर्देश के कारण आगे बढ़ाई गई है। अब ये कथा जनवरी में होगी, इसे कैंसिल ना माना जाए। जनवरी में मां शारदा की भूमि पर भव्य कथा होगी। मई में 3 मई से होने वाली मैहर की जो है जो कथा थी, अति व्यस्तता के कारण, संतों की आज्ञा के कारण वह कथा का जो समय है उसको आगे बढ़ाया जाता है। हमारे बागेश्वर धाम के परिकर के वहां के विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी के माध्यम से जो आयोजन होना था वह जनवरी के मध्य में होना सुनिश्चित हुआ है। क्योंकि हमारी अति व्यस्तता हो गई और लगभग आज से ठीक 2 दिन पहले संतों की हमें आज्ञा लगी, तो संतों की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। उस आज्ञा के कारण हम इस कथा को स्थगित करके जनवरी में समय सुनिश्चित करके आप सबकी सेवा करने और आप सबके दर्शन करने हम आएंगे। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पहले खुद मेहर के लिए कथा की तारीख दी और अब उसे कैंसिल कर दिया। धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी नहीं बताया कि उन्हें किस साधु संत ने निर्देश नहीं दिए हैं कथा नहीं करने के। कथा स्थगित कर धीरेंद्र शास्त्री खुद कटघरे में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी पॉलिटिक दबाव है। वहीं मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी उन्हें पॉलिटिक कथावाचक की संख्या दे चुके हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।